बापू, भस्म की आप बार बार महिमा गाते हो और भस्म लगाते हो, बहुत से कम महात्मा है जो भस्म का त्रिपुण करके व्यासपीठ बैठते हैं। चंदन लगाने वाले बहुत से महात्मा देखे, रंग बिरंगी तिलक करने वाले भी महात्मा हमने व्यासपीठ पर देखे, लेकिन भस्म का तिलक करने वाला कोई दो चार महात्मा ही है। तो भस्म महादेव को क्यों प्रिय है? अब सवाल उसका भस्म की महिमा का नहीं है, भस्म की महिमा के बारे में वो सब जानता है और क्षत्रिय का बेटा है, लेकिन वो कह रहा भस्म महादेव को क्यों प्रिय है। हम सब कहते हैं शिव जी को भस्म लगानी चाहिए, कल मंत्र भी पढ़े थे भगवान को भस्म प्रिय है, ब्राह्मण को भस्म ब्रह्म, लेकिन महादेव को भस्म क्यों प्रिय है? अब तो महादेव को पूछना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी मैं जवाब देता हूं, महादेव को पूछकर ही दे रहा हूं। शिव का अर्थ क्या होता है? शून्य होता है। और रुद्र का अर्थ क्या होता है? जवाब जिम्मेदारी से दे रहा हूं और वेदों का आश्रय लेकर मेरे महादेव को साथ लेकर देता हूं, मैं ऐसा वैसा जवाब नहीं देता कभी। रुद्र का अर्थ होता है संहार, अग्नि का अर्थ होता है संहार। रुद्र यानी महादेव भगवान शंकर जिसको रुद्र कहते हैं। रुद्र का अर्थ मूल तात्पर्य में तत्वज्ञान में अग्नि होता है। अग्नि में आप कुछ भी डाल दो तो क्या हो जाएगा? बोले भस्म। भस्मा का अर्थ होता है लय, शून्य। उसके बाद कुछ कहते हैं ए भाई ये तो राख हो गया। यानी महादेव कहता है जो मिट जाता है वही मुझे प्रिय लगता है, उसको मैं अपने सिर पर लगा लेता हूं। जो मेरे लिए मिट जाएगा, जो भस्म मेरे लिए मिट जाए, ऐसी तो कुछ भी राख हो जाए मैं उसको सीने से लगा लूंगा, इसीलिए मुझे भस्म प्रिय। जो कामना से क्रोध से कामों से सब मुक्त जला कर राख हो जाए, एक बार पूरे संसार को जला दे, एक बार राख बन गया उसको मैंने बदन से लगा लिया, एक बार सहार हो गया वही मेरा श्रृंगार हो गया, एक बार सहार हो गया वो मेरा श्रृंगार हो गया। महादेव कहता है मेरे पास आने के लिए आपको मिटना पड़ेगा, आपको राख बनना पड़ेगा, इसलिए सब शून्य हो जाते हैं। वही महादेव को प्रिय है जो जल कर राख हो जाएगा, इसलिए महादेव को भस्म। ये महादेव ने कहा है, मैंने नहीं कहा। अब आप ऐसा मत समझना कि मेरी महादेव से बात होती है मेरे भगवान से, ऐसा मत समझना, क्योंकि कुछ अनश्रद्धाएं पैदा होती है। भस्म महादेव इसलिए प्रिय जो शून्य हो जाएगा वो महादेव लगा लेंगे। भस्म के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है, शायद साधना में लिखा है, मुझे अब तो एक गड़बड़ हो जाती है, किस ग्रंथ में पढ़ा था वो भूल जाते हैं। तो एक कोई ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, एक ब्रह्म राक्षस था, ध्यान से सुनना, पाप करना ही उसका काम था, कोई भी हो उसको मार डालता था और खा जाता था, राक्षस था, हत्याएं करता। एक बार एक महायोगी पूरे देह पर भस्म लगाकर बैठे थे, साधना कर ध्यान लगाकर, ब्रह्म राक्षस कहीं से नष्ट नहीं होता। पुष्कर में एक तिथि आती है, उस पर तीन शस्त्र बनते हैं, वो उन तीन शस्त्रों से ब्रह्म राक्षस मर सकता, क्योंकि ब्रह्म राक्षस आधा मनुष्य होता है और आधा प्राणी होता है। बहुत सी बार आपने ग्रंथों में ब्रह्म राक्षस के बारे में पढ़ा है। तो महात्मा को खाने गया, महात्मा तो तपस्या में लीन था, तो उसने महात्मा को पकड़ा और महात्मा ने पूरे शरीर पर भस्म लगाई थी। जब उसने हाथों में भस्म आई, महादेव के बाई को पकड़ा और पूरे हाथ में भस्म आई, और राक्षस उस समय राक्षसपना से मुक्त हो गए, राक्षसपना से मुक्त हो गए, एकदम अलग आदमी बन गया, उसके परिवर्तन हो गए। और वो सोचने लगा मैं तो इस महात्मा को खाने आया था, ये मुझे क्या हो गया? फिर उस राक्षस मानव बन गया, उसने उस महात्मा के शरण में गिर गया, रो पड़ा,
महात्मा मैं तो खाने आपको आया था, वो मुझे समृति बची, लेकिन मैं राक्षस से मानव कैसे बन गया? मैं तो मानव भक्ष ब्रह्म राक्षस हूं, लेकिन मैं मानव कैसे बन गया? मैंने आपको तो खाने के लिए पकड़ा था। वो महात्मा थे शिव भक्त परम मुनि, जिसने पूरी कथा सुनाई लोम शर्षण महर्षि, वो भस्म लगाते थे पूरे देह। उसने कहा भाई मैं महादेव का भक्त हूं, मेरे शरीर पर जो भस्म लगाई थी वो शिव मंत्रित भस्म थी, इसलिए उस भस्म को तूने स्पर्श किया तो तेरे पाप नष्ट हो गए, तेरे पाप जल गए, इसलिए तू मानव बन गया राक्षस से। तो अब ध्यान से सुनना, जो लोग अनजाने में भस्म का स्पर्श कर ले महादेव की पवित्र, तो वो राक्षस से मानव हो जाए, तो जो मानव भस्म का तिलक लगाते हैं वो महादेव को कितने प्रिय लगते होंगे। भस्म के तो बहुत महिमाएं लिखे शुमा प्राण, लेकिन इस सवाल का जवाब है कि भस्म महादेव को इसलिए प्रिय है क्योंकि भस्म संहार का अंतिम हिस्सा है, उसके बाद कुछ नहीं रहता, जो अपना सब जला देता है वो महादेव को पा लेता है, इसलिए भस्म भगवान शिव जी को प्रिय। कुछ चाहिए तो महादेव के पास मत जाना, मेरे पास भी बहुत से लोग घूमते रहते हैं कुछ समय तक, क्योंकि मैं कोई आशीर्वाद देता नहीं, फिर क्या करते एक साल दो साल फिर गुरु बदल लेते हैं, किसी और गुरु के पास जाने लगते हैं, उसकी तस्वीर रखने लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पीछे पीछे कोई एक साल रहे दो साल रहे मेरे आसपास घूमते रहे बापू को दे दे, मैं कुछ देता नहीं, मैं ध्यान तक नहीं देता, तो फिर वो चला जाता है कि इसको तो कुछ पड़ी नहीं, मैं संगठन वाला आदमी नहीं हूं, मैं भीड़ वाला आदमी हूं। और मेरे साथ मैं शायद कल अशोक भाई को भी बोला था कि मैं किसी का नंबर सेव नहीं करता, उस काम के लिए रखता हूं, लेकिन एक बार मेरे हृदय में जो सेव कर लो फिर कभी इसको निकालता नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी, वो मुझे निकाल दे तो उसको ठीक रहे, और वैसे जल्दी से मैं किसी को मेरे दिल में बिठाता भी नहीं, मुझे पता रहता है कि ये आदमी क्यों मेरे साथ है। और आप देख लेना मेरे जीवन में कोई एक साल कोई दो साल कोई तीन साल, और कोई ज्यादा चाहने लगे तो एक बार ऐसा दुर्गुण उसके सामने प्रकाशित कर दूं तो चला जाएगा, मुझे अच्छा लगता है। हमारे जो आज कथा है वो वैराग्य की है, उसमें वही बात दो तीन ऐसी है जो मुझे अच्छी लगती है, और मैं कहता हूं मेरे पास वही लोग आ सकते हैं जो सब जला कर आना चाहते, सब राख, हमें पैसे भी नहीं चाहिए, कीर्ति भी नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग मेरे साथ रह सकते, कुछ चाहिए वो लोग एक दो साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, गुरु बदल लेंगे या तो भक्ति बदल लेंगे या तो पूरा कथाकार बदल लेंगे, पहले मेरे साथ कथा करते थे फिर अब किसी और को कथाकार, वो कथाकार उसको फुसलाता रहता है, उससे पास को निकाल लेता है, फुसलाता है तो वो कुछ देता रहता है, तो महात्मा की भी चलती है उसकी भी चलती है। लेकिन मेरे साथ रहने वाले किसी भी आदमी बता दे कि राजू बापू ने कभी कहा कि पैसे तुझे मुझे देने, मैंने किसी से भिख नहीं मांगी आज तक, कोई देता है तो मैं हंस कर लेता हूं, मेरा कर्तव्य है, मैं साधु का संतान हूं महादेव का भक्त हूं, तो मुझे चाहिए तो ले लेना, लेकिन मैं किसी को कहता नहीं, और वो देता है तो मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता, फुसलाता नहीं, दिया तो ऐसे ले लिया जिसको मैंने उसकी कीमत नहीं की, ले लिया फिर वो कहता है बापू को इतना दिया है तो उसको तो कदर है ही नहीं, क्योंकि मैं कदर करूं या ना करूं वो तो कदर करता ही है, लेकिन उसको आपका आपको पता नहीं है, इसलिए आप ज्यादा प्रशंसा को ध्यान में रखते हो, तो फिर मैं किसी पर ध्यान नहीं दे, सिर्फ मेरे महादेव मेरे भगवान पर, इसीलिए लोग मेरे पास कम टिकते हैं, चले जाए। तो यही भस्म का अर्थ है मेरे भाई, सब जलाना चाहो तो ही आ सकते हो महादेव के पास, मेरा महादेव सबसे बड़ा वैरागी है, उससे बड़ा कोई वैराग्य है नहीं,
सभी देवताओं में वैरागी नाम किसको आया है, तो मेरे महादेव का आया। समान भाव शिमा सदाए विषमता ने उर्मा जा, त्याग वैराग रमते सदाए। ये मेरे महादेव का परिचय है, त्याग वैराग रमते सदाए, वही शिव का निज स्वरूप है। इसलिए भस्म प्रिय है।